मेनगांव में विधायक रवि जोशी ने आज जनमित्र शिविर का आयोजन किया। हमारे देश में 80% आबादी गांव में निवास करती है और खेतीहर किसान और 52 प्रकार की जनहित की लोक कल्याण की योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है। गरीब आदमी, किसान आदमी, दलित, आदिवासी, मजदूर, उसके लिए जो 52 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं, उसका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए ये योजनाएं, ये व्यवस्थाएं दी है जन मित्र की। और ये एक बार शुरू हुई है तो आज जो थे, लेकिन प्रत्येक गांव में जब हम जाएंगे, प्रत्येक पंचायत में जब जाएंगे, तो उसका टर्न फिर 2 महीने बाद आएगा। तो 2 महीने के बाद ये देखना है कि वो पिछली बार जब वो कार्यक्रम में हुआ था, उसमें जितने आवेदन आए थे, उतने आवेदनों की समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं। कई योजनाएं हैं जिसका निराकरण 7 दिन में करना है, कई योजनाएं ऐसी है कि जिसका निराकरण 15 दिन में होगा। जो सबसे कठिन, जो सालों तक समस्या हल नहीं होती, नामांतरण की, किसानों के नामांतरण की, माननीय कमलनाथ जी ने उसकी समय सीमा मात्र 1 महीने कर दी कि किसान का काम 1 महीने में होना चाहिए नामांतरण। उसके गांव में जाकर प्रशासन की पूरी टीम जाएगी और गांव में करेगी। आज इस कार्यक्रम में जितने लोगों के, इस शिविर में जितने लोगों के आवेदन आएंगे, कई प्रकार के ऐसे आवेदन है जो 7 दिन में समस्या का हल होगा, किसी आवेदन पर 15 दिन में होगा। नामांतरण जो बरसों लोग, हमने तो देखा है कि कई बुजुर्ग अपना शरीर छोड़ चुके हैं और औलाद भटकती है उसके अपने नामांतरण के लिए, उसके लिए मात्र 30 दिन का आदरणीय कमलनाथ जी ने समय तय किया। बात प्रेषित करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और सरकार को एक निर्देश दिया कि सरकार किसानों के गांव में, किसानों के घर जाए और उसके गांव में जाकर उसके उससे आवेदन ले। और इसके साथ साथ ये समस्याओं के निदान के साथ साथ शासन ने एक और इसमें एक जोड़ रखा है कि गांव में जाए, गांव के विकास के लिए क्या योजनाएं बनती है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से पूछे और उस पर हमको काम करना है। या आप लोगों का सोच होना चाहिए कि हमको गांव में प्राथमिकता के आधार पर कौन सा विकास कार्य पहले कराना है, कौन सा बाद में कराना है। हमको गांव में गटर चाहिए, हमको गांव में पानी की पाइपलाइन चाहिए, गांव के अंदर शिक्षा के लिए 2 कमरे की अति आवश्यकता है। जो बोलेंगे वो प्राथमिकता के आधार पे तय करके वो योजनाओं के अनुरूप आपको व्यवस्था दी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद आज खरगोन ब्लॉक के अंदर 4 पंचायतों में ये कार्यक्रम है। इसके साथ ही गोगांव ब्लॉक के भी 4 पंचायतों का है। यहाँ से अब हम लोग आदरणीय कलेक्टर साहब और SP साहब तो इधर आगे जाएंगे, कार्यक्रमों की व्यवस्था देखेंगे और कुछ चाहता जाए भटके नहीं। आज से पुनः ये आप मान लें कि 2 महीने बाद इसी स्थान पर पुनः शिविर का आयोजन होगा। आप लोगों की आज भी समस्याओं का निराकरण समय के अनुसार हो जाएगा, लेकिन कोई बचता है तो उसके लिए खरगोन आने की जरूरत नहीं। केवल आप तो हमको फोन करो, समस्या का 7 दिन की समस्या हो 7 घंटे में निराकरण करके देंगे। जय हिंद, जय भारत। मेनगांव में विधायक रवि जोशी ने आज जनमित्र शिविर का आयोजन किया। खरगोन में DRP लाइन मैदान में हुई पुस्तिका विमोचन किया गया, जिसके बाद मेनगांव में जनमित्र शिविर में ग्रामीण अंचलों की समस्याओं को सुलझाया गया।